Now next C program display given patterns using nested loops or using loops. इस केस में डिस्प्ले क्या कराना है? डायमंड पैटर्न फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, वेयर n इज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मींस 1 बाय 1 तीनों केस डिस्कस करने, जिससे आपके लिए फोर कंडीशंस डायनेमिकली एनालाइज करना पॉसिबल. देयरफॉर वी आर राइटिंग दिस शेप ऑलरेडी विद रिस्पेक्ट टू गिवन मैट्रिक्स. फर्स्ट केस ऑब्जर्व दिस केस. इस केस में नंबर ऑफ रो कितने फाउंड हो रहे हैं? देयर आर 5 रो एंड 5 कॉलम. फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ. सेम इस केस में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 1 2 3 4 5. नंबर ऑफ स्पेस लाइक दैट, मीन्स एम्प्टी प्लेसेस पर कंसीडर करेंगे एज अ स्पेस लाइक दैट. फाइनली इस केस में एनालाइज क्या करना? फर्स्ट शेप. फर्स्ट शेप मीन्स इस केस में टोटल फोर कॉर्नर्स हैं. फोर कॉर्नर्स के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है इस केस में? स्पेसेस. अगर फर्स्ट केस में ऑब्जर्व करें फर्स्ट कंडीशन, मीन्स इस केस में कंडीशन कंसीडर करें, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन क्या है इस केस में? वेन एवर एन वैल्यू इज 5, कॉन्सल्टेट दिस एन वैल्यू. और एन का वैल्यू गिवन है 5, देन फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ इस शेप के अकॉर्डिंग? मीन्स इस केस में एवरी टाइम आई और जे का एडिशन क्या है? I plus J is less than 3 or 4, less than 4. Clear? Next one. Less than 4 or we can say less than equals to 3. Whenever n value is 5. Second condition kya is case mein? That one. Second condition ke according baat karein is case mein found kya hora every time? I plus J. Or J minus I. Agar J or I ka difference check karein is case mein every time. J माइनस आई. 4 माइनस 1 इज डिफरेंस कितना है? ग्रेटर देन 3, मीन्स 4 माइनस 1 इज 3, इसलिए डिफरेंस क्या? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, लाइक दैट. सेम एज इस केस में कंसीडर क्या कर सकते हैं? लेस देन और इक्वल्स टू 3. थर्ड कंडीशंस, थर्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग राइट डाउन क्या करेंगे? 1 प्लस 4. इस केस में एवरी टाइम आई के सारे वैल्यूज कैसे हैं? लेस देन जे. लेकिन इस केस में जे और आई का डिफरेंस अगर चेक किया जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जे एंड आई? जे माइनस आई. प्रीवियस केस में सॉरी, यहाँ राइट डाउन क्या करना था? आई माइनस जे. आई माइनस जे फर्स्ट वन, 4 माइनस 1 इज 3, which is greater than or equals to 3. Same as 5 minus 2 is also equals to 3. 5 minus 1 is greater than 3. This condition for second case. Third case में condition analyze करना है that corners. Fourth case में conditions क्या बन जाएगा इस case में? J minus I. इस case में J और I का maximum difference कितना हो रहा है? 4 minus 1 is 3. 5 minus 1 is 4. 5 minus 2 is 3, means greater than or equals to 3. Remaining cases में क्या आएगा? This condition not satisfied with remaining cases. In that case, 5 minus इस case में addition क्या है? 4 plus first one. Addition क्या है इस case में? 9. 5 plus 4 is 9. 5 plus 5 is 10. Maximum difference क्या है? 9. Is whenever n value is 5, then इस केस में satisfy क्या करेंगे? Some condition. इस conditions को मैं specially write down करूँगा just after discussing all case. Next one is this is pending operation. इस केस में भी मैंने analyze कितने किए? Only 3 conditions. Same इस केस में अगर observe करें, again first, second, third, fourth. इस केस में matrix मैंने already write down किया है. इस केस में n वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ रो और कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7. इस हियर n इज कंसीडर्ड एज 7. 7 रो 7 कॉलम्स. फर्स्ट वन, फर्स्ट केस में ऑलरेडी कंडीशन राइट डाउन किया था, चेक करो सेटिस्फाई हो गया. इन दैट केस इस फर्स्ट कंडीशन क्या राइट डाउन करें? मैं सिंपली इसको रिमूव कर रहा हूँ. इस वी हैव रिक्वायर्ड फोर कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन इज आई और जे के केस में मैक्सिमम एडिशन क्या है? 4. मैक्सिमम एडिशन इज 4. फर्स्ट कंडीशन राइट डाउन कर सकते हैं आई प्लस जे ग्रेटर देन सॉरी लेस देन और इक्वल्स टू 4. फर्स्ट कंडीशन व्हेन एवर एन इज गिवन एज 7. सेकंड कंडीशन टेस्ट करें. सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या रहा है? 5 माइनस 1, 6 माइनस 2, 7 माइनस 3. इस मैक्सिमम डिफरेंस की अगर आप अप्लाई करोगे आई माइनस जे,
आई माइनस जे के किस में अगेन ग्रेटर मीन्स मैक्सिमम डिफरेंस क्या है, 5 - 1 इज 4, मैक्सिमम डिफरेंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, सेम एज इन दैट केस। इस केस में राइट डाउन कर सकते हैं जे माइनस आई, जे माइनस आई राइट डाउन करें, देन मैक्सिमम डिफरेंस क्या है, 5 - 1 इज अगेन 4, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट वन, फर्स्ट केस में क्या था, 3 + 1, करेक्ट, इन दैट केस करेक्ट, करेक्ट वन। नेक्स्ट केस, अगेन इस केस में 4 कंडीशन में स्किप कर रहा हूँ, इस केस में दैट वन, इसको बाद में एनालाइज करेंगे रिस्पेक्ट टू ऑल केसेस। इस अगर राइट डाउन करें इस केस में, इन दैट केस अगर i का वैल्यू n वैल्यू 5 है, इस फाइनली i और j का एडिशन क्या है, एवरी टाइम i प्लस j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9। इस केस में अगर i और j का एडिशन कराया जाए, सेटिस्फाई किया करें, i प्लस j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9, सेम एज इन दैट केस। इस केस में क्या रहा है, i प्लस j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 + 5 = 12, 6 + 6 = 12, 5 + 7 = 12, मीन्स इसका एडिशन क्या है, हेयर i एंड j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12। फर्स्ट केस में चारों की चारों कंडीशंस में टॉप में राइट डाउन कर रहा हूँ। फर्स्ट केस, वेन एवर एन वैल्यू इज गिवन एज 4, वेन एवर एन इज 4, सॉरी एन वैल्यू इज 5, इस केस में ऑर्डर क्या था, 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट कंडीशन इज i प्लस j लेस देन इक्वल्स टू 3, बाद में इसको कन्वर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ n, i माइनस j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, j माइनस i ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, i प्लस j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9, मीन्स दिस द सेकंड कंडीशन। सेम है लास्ट केस एनालाइज करें, उसके बाद फाइनल कंडीशन राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वन, लास्ट केस में कंडीशंस बात करें, अगेन कितने कॉर्नर्स रिक्वायर्ड हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मीन्स टोटल 4 कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगे, 4 कंडीशंस के रिस्पेक्ट में, देन इसको n के फॉर्म में बाद में राइट डाउन करें। फर्स्ट वन, इस केस में n का वैल्यू कितना गिवन है, n मीन्स नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स, देयर आर 9 रो एंड 9 कॉलम्स, आर द कंडीशंस। फर्स्ट वन और फर्स्ट कंडीशंस, इन दैट केस सभी केसेस में i और j का एडिशन कैसा, लेस देन और इक्वल्स टू 5, इसमें सभी एलिमेंट्स के लिए i और j को अगर ऐड कराया जाए, तो इसका एडिशन क्या होगा, लेस देन और इक्वल्स टू 5, n वैल्यू गिवन है इस केस में 9, i प्लस j लेस देन और इक्वल्स टू 5। सेकेंड कंडीशंस क्या अप्लाई कर सकते हैं, सेकेंड मीन्स दैट पार्ट, इस केस में अगर आई में से जे को सब्ट्रैक्ट करें, देन मैक्सिमम डिफरेंस कितना, 6 - 1 = 5, 7 - 1 = 5, मीन्स ऑल केसेस में आई को अगर जे से सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो जे को अगर आई से सब्ट्रैक्ट करें, देन इसका डिफरेंस क्या रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कंडीशन थर्ड कंडीशन क्या हुआ, अगेन j और i का अगर डिफरेंस कैलकुलेट करें, j माइनस i, अगेन सेम केस ऑलमोस्ट, लेकिन इस केस में डिफरेंस कितना आ रहा है, मैक्सिमम 6 - 1 = 5, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। लास्ट वन, लास्ट केस में अगर डिफरेंस चेक करें, i और j को ऐड करा हुए, i प्लस j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 + 6 = 15, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15, दैट वन। इस दीज आर 4 कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑल केसेस, बस ये कंडीशन सब कन्वर्ट किस फॉर्म में करना, इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेट ऑफ n, फॉर n वैल्यू। फर्स्ट वन, n के केस में अगर n का वैल्यू 5 है, देन इस केस में कन्वर्ट क्या कर सकते हैं, इस केस में इक्वल n टू 3, n के लिए अप्लाई क्या करें, n y 2 प्लस 1, अगर 3 को 2 से डिवाइड करें, इंटीरियर डिवीजन क्या आएगा, 1, 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2, इस केस में अप्लाई किस फॉर्म में करें, कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन और इक्वल्स टू, कंडीशंस क्या आएगा, n, n वैल्यू क्या है 5, 5 को 2 से डिवाइड करने पर इंटीरियर डिवीजन क्या आएगा, 2, 2 प्लस 1 इज 3, मींस इस केस में राइट डाउन क्या कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2 + 1। सेकेंड कंडीशन अगर n के फॉर्म में डिवाइड करेंगे, देन क्या आएगा इस केस में,
अगेन सेम केस, 3 के प्लेस पर क्या जाएगा एन वाई टू प्लस वन, अगेन 3 के प्लेस पर राइट डाउन क्या करेंगे एन वाई टू सॉरी प्लस वन, लास्ट कंडीशन बाद में राइट डाउन करें, इसमें प्रॉपर रिलेशन रिक्वायर्ड होगा। सेम इन दैट केस अगर एन का वैल्यू 7 के बना है, 7 के प्लेस पर रिक्वायर्ड क्या है एन फोर, एन वैल्यू 7 रिक्वायर्ड क्या वैल्यू है 4, अगेन ऑपरेशन क्या अप्लाई कर सकते हैं एन वाई टू प्लस वन, 7 को 2 से डिवाइड करने पर डिवीजन क्या आएगा 3 इंटीजर डिवीजन, 3 प्लस 1 इज 4, राइट डाउन क्या कर सकते हैं तीनों प्लेसेस पर एन वाई टू प्लस 1, अगेन एन वाई टू प्लस 1, अगेन एन वाई टू प्लस 1, इस कंडीशन को लास्ट में मैनेज करेंगे। सेम एज वेन एवर एन वैल्यू इज गिवन एज 9, देन 9 की केस में राइट डाउन क्या कर सकते हैं 9 माइनस 2 प्लस 1, एडिशन क्या रहा इसका इंटीजर डिवीजन इज 4 प्लस 1 इज 5, राइट डाउन क्या करेंगे ऑल थ्री प्लेसेस पर एन वाई टू प्लस 1, एन वाई टू प्लस 1, एन वाई टू प्लस 1, इस केस में स्पेशल कंडीशन क्या है थर्ड, थर्ड केस में काउंट करें आई जी का एडिशन फर्स्ट टाइम ही से इस केस में एक पर्टिकुलर अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट केस में क्या है 9, सेकंड केस में क्या है 12, थर्ड केस में क्या है 15, मीन्स कोई ऐसा कंडीशन राइट डाउन करें जो सभी केसेस में सेटिस्फाई हो, तो इस केस में फाइनली कंडीशंस क्या हो सकता है मीन्स 3 एन वाई टू प्लस 1, इस रिक्वायर्ड वैल्यू क्या था 9, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे n का वैल्यू क्या गिवन है 5, 5 को 2 से डिवाइड किया जाए देन डिवीजन क्या आएगा इस केस में डिवीजन एज 2, 2 प्लस 1 इज 3, 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9, परफेक्ट। देन सेम एज मीन्स सेम कंडीशन ऑल केसेस में सेटिस्फाई करना पॉसिबल है, सेम वैल्यू इस केस में रिक्वायर्ड क्या है 12, अगेन राइट डाउन क्या कर सकते हैं 12 के प्लेसेस पर 3 मल्टीप्लाई वाई और 3, अभी सिंपल टर्म राइट कर रहा हूँ 3 एन वाई टू प्लस 1, एन का वैल्यू क्या पुट करना 7, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे देन डिवीजन क्या आएगा 3, डिवीजन 3, 3 प्लस 1 इज 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 12, और रिक्वायर्ड वैल्यू भी क्या था ऑल्सो 12। सेम है इन दैट केस इस प्लेस पर भी कंडीशन क्या राइट डाउन करें 15 के लिए 3 मल्टीप्लाई वाई एन वाई टू प्लस 1, मीन्स दीज आर 4 कंडीशंस, इस तरह से 4 डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को कंबाइंड करेंगे यूजिंग और ऑपरेटर, फाइनल इस केस में कोड राइट डाउन कर रहा हूँ फॉर ऑल केस विच विल सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस। फर्स्ट वन इस केस में रो कितने रिक्वायर्ड है एन रो, कॉलम्स भी कितने मैनेज करना है एन कॉलम्स, इस केस में आउटर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करने की नीड होगी एन टाइम्स, इनर लूप भी कितनी बार एग्जीक्यूट करने की रिक्वायरमेंट है ऑल्सो एन टाइम्स। फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन, सोर्स कोड राइट डाउन करें इसके लिए वॉइड मैन सिंपल कोड सेम एज प्रीवियस सेशन, ओनली इफ कंडीशन राइट डाउन करना है गिवन वन। प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस इंटीजर आई कॉमा जे कॉमा एन, देन रीडिंग इनपुट वैल्यू फॉर एन बिफोर दैट डिस्प्लेइंग मैसेज पोर्ट्स एंटर एन और एंटर नंबर, रीडिंग बाय यूजिंग स्कैनएफ फंक्शंस परसेंट डी एम परसेंट ऑफ एन। नेक्स्ट वन फॉर लूप के थ्रू मीन्स फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक मैनेज करना मीन्स एन वाई एन के फॉर्म में मैट्रिक्स मैनेज करना, देयर फोर एन टाइम्स आई इक्वल्स टू वन टू एन, आई लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस। नेक्स्ट वन इनर लूप, इनर लूप कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना फ्रॉम वन टू अगेन एन, जे लेस देन इक्वल्स टू एन एंड जे प्लस प्लस। नेक्स्ट वन इफ कंडीशंस राइट डाउन क्या करें इफ, वन बाई वन सारे कंडीशन राइट डाउन करना, फर्स्ट इफ कंडीशन क्या है आई प्लस जे लेस देन इक्वल्स टू एन वाई टू, फर्स्ट कंडीशन आई प्लस जे लेस देन इक्वल्स टू एन वाई टू प्लस वन, फर्स्ट कंडीशन कंबाइंड किससे कराना और ऑपरेटर से। सेकेंड कंडीशन अगेन आई माइनस जे, आई माइनस जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन वाई टू प्लस वन, इसको कंबाइंड कैसे करना और ऑपरेटर से, मीन्स नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू कर रहा हूँ इस केस में। थर्ड कंडीशन जे माइनस आई
जी माइनस आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अगेन एन बाई टू प्लस वन। वन मोर लास्ट कंडीशन कंबाइंड बाई यूजिंग और ऑपरेटर। लास्ट कंडीशन क्या है, आई प्लस जी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थ्री मल्टीप्लाई बाई एन बाई टू प्लस वन, एन बाई टू प्लस वन देन क्लोजिंग दिस इफ कंडीशंस। इसके अकॉर्डिंग इफ के बॉडी पार्ट में डिस्प्ले कराएंगे करेस्पॉन्डिंग वैल्यू एज स्पेस। कंडीशन काउंट किसके लिए किया था, ओनली फॉर स्पेसेस। नेक्स्ट वन एल्स, एल्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करा लेंगे प्रिंट एफ स्टार, प्रिंट एफ स्टार। नेक्स्ट वन क्लोजिंग इनर लूप, इनर लूप क्लोज करने के बाद सिंपली लाइन को चेंज करने के लिए यूज करेंगे सिंपली प्रिंट एफ विथ स्लैश एन टू चेंज द लाइन। फाइनली क्लोजिंग आउटर लूप, क्लोजिंग मेन फंक्शंस। इस गिवन सोर्स कोड के थ्रू किसी भी टाइप का डायमंड शेप और डायमंड शेप किसी भी ऑर्डर के लिए डिस्प्ले कराना पॉसिबल है।